हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल ऑन सी सब्जेक्ट वाइज लास्ट लेक्चर में हमने एम्बिगुअस ग्रामर अनएमबिगुस ग्रामर व्हाट इज एलएमडी व्हाट इज़ आरएमडी एंड इज रेगुलर ग्रामर एम्बीगुअस इसको डिस्कस किया था आज हम एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चे पॉइंट है हमारा सपोज करो एक लैंग्वेज एल है या एक कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर जी है हमारे पास दैट इज एस गोस टू एस बी एस बी एस ए एस और, और लैमडा और ये कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी राइट और ये ग्रामर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये ग्रामर क्या है बच्चे एमबीगोस ग्रामर राइट नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल बच्चे एक कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर है एस गोस टू एस बी और लैमडा ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है ए की पावर एन बी की पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रामर क्या थी बच्चे ग्रामर राइट right. अब बच्चे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन सी एफ जी इज एम्बिगुअस और नॉट राइट देखो बच्चे किसी भी ग्रामर को किसी भी कॉन्टेक्स्ट वाली ग्रामर को आइडेंटिफाई करना कि ये एम्बिगुअस है ये प्रॉब्लम क्या है बच्चे डिसाइडेबल है अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम इट इज अंडिसाइडेबल प्रॉब्लम व्हाट डू यू मीन बाय अनाइडेबल प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल इफ देयर एग्जिस्ट नो एल्गो नो एल्गो एग्जिस्ट नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट फॉर दैट प्रॉब्लम राइट अब ये एल्गो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है बच्चे देखो ये गीवन ग्रामर है ये गिवन ग्रामर है और ये ग्रामर क्या है एम्बीगुस ग्रामर है हमने इस ग्रामर को कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये ग्रामर एम्बीगुअस है हमने क्या किया एक स्ट्रिंग उठाया एग्जाम्पल क्या था बच्चे ग्रामर इज एस गोस टू एस बी एस और बी एस एस और लेमडा हमने एक स्ट्रिंग को पिक किया बच्चे दैट इज ए बी ए बी और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पार्स ट्री थे हमारे पास डिफरेंट पार्स ट्री थे राइट फर्स्ट पार्स ट्री ये था बच्चे सेकंड पार्स ट्री एस गोज टू ए एस बी एस एस गोज टू लेमडा एस गोज टू ए एस बी एस

बट अगर आपको कोई और इन जनरल बच्चे ग्रामर दे दिए जाए और आपको ये बोल दिया जाए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी आपने क्या किया इस पर्टिकुलर ग्रामर से गिवन जो ग्रामर जी है उसकी सबसे पहले जीरो लेंथ स्ट्रिंग के लिए पार्स मोर देन वन ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की नहीं बना वन लेंथ स्ट्रिंग वन लेंथ स्ट्रिंग मीन्स कितनी है वन लेंथ की स्ट्रिंग वन इज ए वन इज बी इन दोनों स्ट्रिंग के लिए गिवन ग्रामर से क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्स ट्री पॉसिबल है नहीं है सपोज करो नहीं होगा तो बच्चे आपने क्या किया फिर लेंथ लेंथ की 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 स्ट्रिंग 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 कितनी है पावर फोर से बच्चे आपने हर एक स्ट्रिंग के लिए चेक किया कि क्या डबल ए ए बी बी ए बी बी इनमें से एक भी ऐसी कोई स्ट्रिंग है जिसके लिए मोर देन वन ट्री मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं गिवन ग्रामर से गिवन ग्रामर से नहीं तो फिर आपने क्या किया थ्री लेंथ की स्ट्रिंग को चेक किया टू की पावर थ्री टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ थ्री अगेन बच्चे नहीं हुआ इट मीन्स आप ये ब्रूट फोर्स मेथड यूज कर रहे हो और ये कब तक करोगे राइट ये आप कब तक करोगे बच्चे इसीलिए ये कोई जनरल एल्गो नहीं है कि आपने क्या किया वन बाय वन हर एक स्ट्रिंग के लिए चेक करते जाओ और जिस दिन आपको एक ऐसी स्ट्रिंग मिल जाए जिसके लिए मोर देन वन पार स्ट्री पॉसिबल हो देन यू कैन से गिवन ग्रामर इज एम्बिगोस ग्रामर बट ये प्रोसीजर कब तक यूज करोगे आ रहा है बच्चे समझ में इसीलिए बच्चे हमारे पास ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है कि परफॉर्म दीज दो पर्टिकुलर स्टेप्स राइट और आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हां ये इन पर्टिकुलर स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद आपके पास एंसर या ये yes या नो no की फॉर्म में आएगा ऐसा कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं है ये हमारा ब्रूटफोर्स मैथड है बच्चे राइट की हिट एंड ट्रायल यूज कर रहे हो आप मेथड बट ऐसा आज तक प्रूव है कि ऐसा कोई भी एल्गोरिथम नहीं है अगर वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने के बाद ये बता दे कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ग्रामर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्बिगुटी इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है बच्चे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्बिग्विटी फोर सी एफ जी इज अनडिसाइडेबल इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम राइट अब सेकेंड सेकेंड स्टेटमेंट देखो बच्चे सपोज करो आप आपको ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये ग्रामर कौन सी है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन सी है

दैट्स वाई एलिमिनेशन ऑफ एम्बिग्विटी इज अगेन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम सेकेंड पॉइंट एलिमिनेशन ऑफ एम्बिग्विटी इज अनडिसाइडेबल बच्चे ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यह ध्यान रखना अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम फर्स्ट गिवन ग्रामर को आइडेंटिफाई करना कि क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है बच्चे अनडिसाइडेबल अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये ग्रामर एम्बिगुअस है तो क्या ऐसा कोई एल्गोरिथम है कि आप उस एम्बिगुअस ग्रामर की एम्बिग्विटी को रिमूव कर सकते हो नो अगेन एलिमिनेशन ऑफ एम्बिग्विटी इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम राइट नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज इनहेरेंटली एम्बिगस ग्रामर राइट हमने फर्स्ट पॉइंट रीड किया है बच्चे आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करना ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है अनडिसाइडेबल है अगर आपको बायदा भी ये पता लग जाता है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है तो उस ग्रामर उस से एम्बिग्युटी को हटाना अगेन बच्चे अनडिसाइडेबल है अनडिसाइडेबल मीन्स बच्चे ये ग्रामर जी है आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है एम्बिगुअस ग्रामर है बच्चे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एम्बिगुस ग्रामर है अब क्या हुआ एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता इट मीन्स वट आपने कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए इस ग्रामर की एम्बिगविटी हट गई मान लो एक और न्यू ग्रामर है G2, G2। आपने ये सेम स्टेप्स इस ग्रामर पे भी परफॉर्म किए ये ग्रामर भी क्या है एम्बिगुअस ग्रामर है इस ग्रामर पे भी सेम ऑपरेशंस या सेम स्टेप परफॉर्म किए स्टिल बच्चे इसकी एम्बिग्विटी नहीं हटी इसीलिए जो ये स्टेप ऑफ ये स्टेप्स हैं इनको मैं एल्गोरिथम नहीं कह रहा हो सकता है कुछ ग्रामर की एम्बिगिटी हट जाए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स या कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद बट हम बच्चे कब कहते हैं कि ये एक एल्गोरिथम है जब सेम प्रॉब्लम के लिए सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस या सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हमेशा एप्लीकेबल हों मान लो बच्चे ये कुछ स्टेप्स आपने परफॉर्म किए और इस गिवन ग्रामर जी वन की एम्बिग्यूटी एलिमिनेट हो गई दैट्स ओके बट अगर बच्चे सेम स्टेप ऑफ ऑपरेशन आपने जी टू परफॉर्म किए और ग्रामर जी टू की एम्बिग्यूटी एलिमिनेट नहीं हुई इन दैट केस आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टेप्स क्या थे मेरे एल्गोरिथम थे एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए राइट एल्गोरिथम मीन्स हमेशा सेम प्रॉब्लम सेम डोमेन के लिए हमेशा वो एल्गोरिथम आपको करेक्ट आउटपुट देगा राइट right? नेक्स्ट इनहेरेंटली एम्बिगस ग्रामर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक गिवन ग्रामर है जो एम्बिगुस है तो उस ग्रामर से अगर यह पॉसिबल ना हो एलिमिनेट करना एम्बिग्विटी को तो वो ग्रामर होती है बच्चे इनहेरेंटली एम्बिगस ग्रामर आप डेफिनेशन को रीड करें फ्री ग्रामर फ्रॉम विच एलिमिनेशन ऑफ एम्बिग इज नॉट पॉसिबल दैट ग्रामर इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगस ग्रामर एक ऐसी एम्बिगुअस ग्रामर एक ऐसी ग्रामर जिससे एम्बिगटी को नहीं हटा सकते एम्बिगुअस ग्रामर राइट नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज इनहेरेंटली एम्बिगुस लैंग्वेज अभी बच्चे हमने प्रीवियस रीड किया है इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर एक ग्रामर इनहेरेंटली एम्बिगुअस कब होगी जब एक एम्बिगुअस ग्रामर जिससे एलिमिनेशन ना पॉसिबल नहीं हो उसकी एम्बिग्यूटी का एलिमिनेशन पॉसिबल ना हो दैट ग्रामर इज कॉल्ड दैट ग्रामर इज कॉल्ड यहाँ ग्रामर के लिए बात कर रहा हूं इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर अब नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरेंटली एम्बिगुस लैंग्वेज लैंग्वेज क्या हुई बच्चे एक ऐसे कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज जिसकी सभी ग्रामर एम्बिगुअस हो देन दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगुस लैंग्वेज बच्चे हमने रेगुलर ग्रामर में ये रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा में डिस्कस किया था कि एक लैंग्वेज है लैंग्वेज की बहुत सारी ग्रामर पॉसिबल है जी वन जी टू जी थ्री राइट मान लो ये कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज है तो इस लैंग्वेज की बहुत सारी ग्रामर है जी वन है जी टू है जी थ्री है बच्चे राइट right? अगर जितनी भी ग्रामर इस वर्ल्ड में बच्चे इस लैंग्वेज के लिए एग्जिस्ट करती है अगर वो सभी की सभी एम्बिगुस ग्रामर है तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हम क्या कहेंगे इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज एक लैंग्वेज इनहेरेंटली एम्बिगुस कब होगी जब उस लैंग्वेज की हर एक ग्रामर क्या हो बच्चे एम्बीगुस ग्रामर हो इट मीन्स इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए एक भी ऐसी ग्रामर नहीं होनी चाहिए जो अनएमबिग्वस हो राइट दैट लैंग्वेज और दी एफ एल इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगुअस सी एफ एल तो इसके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं बच्चे एग्जाम्पल क्या है एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एम सी की पावर के सच दैट एन इज इक्वल टू एम और

ंग्वेज इज कोल्ड इनहेरेंटली एम्बि लैंग्वेज एक और ऐसा एग्जाम्पल है बच्चे हमारे पास एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन सी की पावर एम डी की पावर एम सच दैट एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन यूनियन यूनियन ए की पावर एन बी की पावर एम c की पावर m, d की पावर n, such that n इज ग्रेटर than इक्वल टू 1 m इज ग्रेटर than इक्वल टू 1 तो बच्चे ये जो लैंग्वेज है ये जो लैंग्वेज है इसमें बच्चे फर्स्ट में क्या था a और b इक्वल है c और d इक्वल है यूनियन a और d इक्वल है बच्चे b और c इक्वल है ये जो लैंग्वेज है बच्चे ये जो लैंग्वेज कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज है ये क्या है इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज है राइट right? असाइनमेंट क्या है बच्चे मैं आपको इस लैंग्वेज का एग्जाम्पल नंबर टू के लैंग्वेज की ग्रामर प्रोवाइड करा रहा हूं एंड स्ट्रिंग आपका असाइनमेंट है बच्चे बच्चे उस स्ट्रिंग के लिए पार्स पार्स डिफरेंट डिफरेंट ट्री जनरेट करना तो हमने अभी तक डिस्कस किया इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज एक ऐसी कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज जिसकी हर ग्रामर एम्बिगुअस हो राइट right? तो एग्जाम्पल फोर एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर टू ग्रामर of example number 2 is s goes to a b or c a goes to a a b or a b b goes to c b d or c d यहाँ से क्या हुआ बच्चे ये फर्स्ट पार्ट जनरेट हो गया a और b a और b यहाँ से इक्वल आ रहे हैं ये क्या हो रहा है a की n b की n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इससे क्या जनरेट हो रहा है बच्चे c की पावर m d की पावर m m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हर हर b में एक c और एक d आ रहा है राइट हर c के साथ एक d आ रहा है दैट्स व्हाई बच्चे c की पावर m d की पावर n राइट अब हम c पे चलते हैं बच्चे c क्या जनरेट कर रहा है बच्चे देखो c goes to ए कैपिटल सी डी और ए कैपिटल राइट नेक्स्ट बच्चे डी गोज टू बी कैपिटल डी सी और बी सी सी क्या जनरेट कर रहा है बच्चे हर ए के साथ डी हर ए के साथ डी हर ए के साथ डी ए के साथ डी फिर ए के साथ बच्चे डी फिर बीच में क्या आ गया हमारे पास ये डी आ गया और ये डी किससे एक्सपेंड हो रहा है बी सी हर बी के साथ सी लेके आ रहा है इट मीन्स बच्चे ए और डी इक्वल हो गए बी और सी इक्वल हो गए तो ये ग्रामर है बच्चे एग्जाम्पल नंबर टू के लिए एग्जाम्पल नंबर टू के लिए अब आपका असाइनमेंट है बच्चे मैं आपको एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू ए ए बी बी सी सी डी डी इस बच्चे स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पार्ट ट्री पॉसिबल है दैट्स वाई दिस ग्रामर इज़ कॉल्ड एम्बिगस ग्रामर और बच्चे ये जो लैंग्वेज है ये हमेशा बच्चे क्या है इनहेरेंटली एम्बीगुस लैंग्वेज है इस लैंग्वेज के लिए आप कोई भी ग्रामर जनरेट कर लो जी वन जी टू जी थ्री एनी नंबर ऑफ ग्रामर किसी भी टाइप से आप ग्रामर को जनरेट करो वो हमेशा ग्रामर क्या होगी बच्चे ये सबकी सब ग्रामर सब क्या होगी एम्बीगुस ग्रामर ही होगी एम्बिगस ग्रामर ही होगी आप इस लैंग्वेज के लिए अनएमस ग्रामर जनरेट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये लैंग्वेज कौन सी है इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज है इस लैंग्वेज की एक भी ऐसी ग्रामर नहीं है जो अनएम्बिगुअस हो राइट देट इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगुस ग्रामर तो आज के लेक्चर में बचे हमने क्या पॉइंट्स रीड किए फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्बिगुटी सेकेंड पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ थर्ड पॉइंट इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर फोर्थ पॉइंट इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज ये फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हमने रीड किया है बच्चे अच्छे से नोट्स को मेंटेन करें आपको अगर कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो समझ में नहीं आ रहा तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें वहाँ मैसेज करें पर्सनल कॉल करें बच्चे माय नंबर इज एट टू नाइन एट नाइन सेवन सिक्स थ्री टू वन राइट आप किसी भी समय पे कॉल करें आपको कोई भी दिक्कत आए हमारे मेंटर्स या हम खुद बच्चे आपको कॉल आपका क्वेरी को रिस्पॉन्ड करेंगे राइट right? अगर आपको बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू सो मच